सीक्वेंस याद किए होगे, तो मैच करना, एक से डिराइव कर लेना। आप यहाँ पे लिखना जो एक्सपेंशन जो भी याद किए हो, है ना, वो जो डिराइव किया जाता है, एक सीरीज होता है टेलर सीरीज। क्या टेलर सीरीज? मैकलॉरिन सीरीज इसको बोला जाता है। इसमें एफ एक्स इज इक्वल टू एफ जीरो प्लस एक्स वाई फैक्टोरियल वन। देखो फैक्टोरियल वन है, यहाँ पे एक्स का पावर वन है, तो एफ डैश क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो आ जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्या होगा, फैक्टोरियल टू हो जाएगा। अब यहाँ पे एफ डैश एफ डबल डैश जीरो हो जाएगा, राइट, प्लस एक्स क्यूब वाई फैक्टोरियल थ्री एफ ट्रिपल डैश ऑफ जीरो हो जाएगा, प्लस एक्स टू द पावर फोर वाई फैक्टोरियल फोर एफ, यहाँ पे जो डेरिवेटिव होगा वो फोर्थ ऑर्डर का डेरिवेटिव हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, जीरो लिखेंगे, आई बात समझ में, एंड सो ऑन। जैसे तुमको डिराइव करना है इससे, कोई भी फॉर्मूला उठा लो, कौन सा फॉर्मूला, साइन एक्स का, राइट, तो यहाँ पे वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स लिखनी है। अब इसका फॉर्मूला देखना, तो देखो अगर एफ डैश एक्स फाइंड किए क्या आएगा, साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स यहाँ पे एफ डैश जीरो का वैल्यू देखेंगे तो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, एफ डबल डैश जीरो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये देखना कि इवन पावर्स वाले इसमें क्या होते हैं, टर्म्स रहता ही नहीं है, है ना, सिर्फ जो एक्स का ऑड पावर्स होता है वही इसमें इन्वॉल्व करते हैं। एफ थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव देखेंगे तो इसका जो वैल्यू होगा माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, एफ थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव में एफ ऑफ जीरो देखेंगे, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा। फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव देखेंगे एक्स का, यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स, राइट, इज इक्वल टू जीरो। इससे ज्यादा करने का जरूरत है भी नहीं, है ना। अब देखो यहाँ पुट करके देखो, आ रही बात समझ में ना, क्लियर है? तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन एक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब यहाँ पे पुट करना स्टार्ट करो, क्योंकि एफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिए थे, साइन एक्स था फर्स्ट में, एग्जाम्पल के तौर पे करा रहा हूँ, बट ये इसी सीरीज से सारा डिराइव हो जाएंगे, ये याद रखना, याद रखना बहुत सिंपल है। साइन एक्स, अब यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ जीरो, जीरो का वैल्यू, साइन जीरो का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो, सो फर्स्ट टर्म यहाँ पे जीरो हो जाएगा, एक्स वाई क्या हो जाएगा, एक्स वाई फैक्टोरियल वन, और एफ डैश जीरो का वैल्यू यहाँ पे वन आया। अब देखो इवन टर्म्स वाले यहाँ पे क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, इट मीन्स एक्स क्यू वाई क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल थ्री प्लस एक्स टू द पावर फाइव वाई क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल फाइव, फिर से आ जाएगा माइनस एक्स टू द पावर सेवन वाई फैक्टोरियल सेवन, एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तक ये चलता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ गया। सीरीज भी डायरेक्टली याद रखना, सिंपल है, एक्स माइनस साइन एच एक्स क्या, साइन एच एक्स वो हाइपरबोलिक फंक्शन में होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर बताऊंगा वहां पे डिस्कस करेंगे, ठीक है, वो जरूरत नहीं पड़ेगा मेरे ख्याल से, अगर आएगा क्वेश्चन में तो वो इसको पोलर फॉर्म ही बोलते हैं। हाँ पोलर फॉर्म में ही लिखा जाता है, जहां पे जरूरत होगा वो बता दूंगा, ठीक है। आयलर फॉर्म में लिखा जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर को, जैसे देखो ठीक है, जैसे ई टू द पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू वहां पे साइन थीटा, एक मिनट, पावर माइनस आयोटा थीटा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। अब यहां से क्या करोगे,
ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, दोनों को ऐड करो तो क्या आ जाएगा, cos थीटा का जो वैल्यू होगा वो आ जाएगा e टू द पावर आयोटा थीटा अब प्लस e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा डिवाइडेड बाई 2। इसी को लिखा जाता है cos h थीटा, ऐसे ही कुछ लिखा जाता है ना, एक बार देख लेना ये बोले ठीक है, ये हो जाएगा e टू द पावर आयोटा थीटा प्लस e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा। तो ये वहां पे यूज होगा तो बता देंगे, बट यहाँ पे यूज इसका नहीं है, इसी में साइन ये भी हो जाएगा e टू द पावर आयोटा थीटा माइनस e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा डिवाइडेड बाई 2 आयोटा हो जाएगा। देखना दोनों को क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये रिजल्ट आ जाएंगे, है ना, आई बात समझ में? Yes, तो ये तो यहाँ पे बस एक्स्ट्रा में ये रहने दो। ओके, इसका एक्सपेंशन का सारा फॉर्मूला याद कर लेना, ऐसा नहीं कि वहां पे डिराइव करने लगना, अगर भूल गए तब कर सकते हो डिराइव, इस सीक्वेंस को याद में रखना, ये तो भूलना नहीं है, है ना। बाकी जो सीक्वेंस है याद करने का कि साइन एक्स में क्या आ जाएगा, एक्स माइनस एक्स क्यू बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल। अगर कॉस एक्स में जाएंगे तो यहाँ पे क्या है, और डिग्री वाले हैं, वहां पे क्या हो जाएगा, इवन डिग्री, 1 से स्टार्ट होगा, 1 प्लस 1 माइनस में होता है ना जी, एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल प्लस माइनस एक्स टू द पावर 6 बाई 6 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, log x, log 1 प्लस x है ना, उसका जो याद रखोगे तो क्या होता है वहां पे, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स टू द पावर 4 बाई 4 बाई 4। फिर log 1 माइनस x का याद रखोगे तो सारे में माइनस आ जाते हैं, है ना, ये ध्यान रखना। तो वो चलो वो बाद की बात है, वो तो जरूरत पड़ेगा ही। अब देखो यहाँ पे इसमें बताए थे कि लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स लिखा हुआ रहता है, तो इसका दो मीनिंग होता है, लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स, बोले थे ना, इसी को क्या बोला जाता है, राइट हैंड लिमिट, और ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट। दिस इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हो लिमिट h टेंस टू 0, चेंज करते हैं, है ना, तो यहाँ पे a प्लस h हो जाएगा, और इसको लिखोगे लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h, यहाँ पे x इज इक्वल टू a माइनस h और यहाँ पे x इज इक्वल टू a प्लस h, ये यूज किया जाता है। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट के लिए क्या होना चाहिए, आर एच इज इक्वल टू एल एच, सिर्फ कंडीशन क्या है, आर एच एल इज इक्वल टू एल एच, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना। अब दोनों का वैल्यू हो सकता है कि इंफिनिटी हो जाए, है ना, दोनों के केस में, तो वहां पे लिमिट एग्जिस्ट बोला जाता है कि एग्जिस्ट करेगा, दोनों का साइमल्टेनियसली माइनस इंफिनिटी हो जाएगा तो लिमिट एग्जिस्ट करेंगे, एक में प्लस इंफिनिटी एक में माइनस इंफिनिटी आएगा तो वहां पे बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। वो कंटिन्यूटी में ऐसा नहीं है कि लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अगर इक्वल है और इंफिनिटी है तो वहां पे कंटिन्यूटी देखते ही नहीं है, लेकिन लिमिट के केस में अगर दोनों सेम टाइप के हैं, प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी दोनों आ रहा है, तो वहां पे बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम फाइनाइट ही इसका वैल्यू होना चाहिए, राइट। अब देखो इसमें केसेस बताए थे, सेवन इनडिटर्मिनेट फॉर्म सारा याद कर लिए हो, सेवन इनडिटर्मिनेट फॉर्म था, याद हो गया है, यस सर, यस सर, वो याद होना ही चाहिए, है ना। अब इसके केस में इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट में तो आता है अलजेब्राइक टाइप के, एक होता है सब्स्टिट्यूशन, वो फाइनली जो यूज करना है कॉन्सेप्ट की डायरेक्ट, जैसे लिमिट x टेंस टू 2 यहाँ पे दिया हुआ है x प्लस 2, है ना, तो ये देखो इनडिटर्मिनेट फॉर्म में नहीं जा रहा है तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या करना है, 2 पुट कर देना है, 2 प्लस 2 दिस इज इक्वल टू क्या हो गया 4, तो ये क्या हो गया, कौन सा इसमें कॉन्सेप्ट यूज किया गया है,
फंक्शन सब्स्टिट्यूशन है ना, तो ये डिस्कस वहां पे नहीं कहते हर एक, हालांकि सारे क्वेश्चंस में बाद में क्या किया जाता है, डायरेक्टली पुट ही किया जाता है या इनडायरेक्टली क्या करते हैं, पुट करके ही चेक करते हैं कि कौन से फॉर्म में आ रहा है लिमिट का। तो अगर ये अलग से, ये डिटर्मिनेट फॉर्म हो गया, इसमें कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्टली क्या करना है, पुट करना है, वो आउट ऑफ क्या है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म से बाहर है, इसमें डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे और देख लेंगे कि वैल्यू इसका क्या आ रहा है। ठीक है, अब देखो, हाँ बोलो। सो ऐसा केस हो सकता है जिसमें फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है पर लिमिट नहीं? हाँ हाँ, बहुत सारे वैसे क्वेश्चंस रहेंगे, लिमिट में तो रहेंगे है ना, तो वो लिमिटिंग वैल्यू फाइंड कर रहे हैं ना, हो सकता है एग्जिस्ट करे, नहीं एग्जिस्ट करे तो वो आउट ऑफ सेवन टाइप से हो। उसका मतलब क्या होगा अगर लिमिट उसका एग्जिस्ट नहीं कर रहा और फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा? देखो, लिमिटिंग वैल्यू बेसिकली फाइंड किया जाता है जो एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स के लिए जहां पे डिफाइंड नहीं हो तो उसके आसपास, या क्वेश्चंस तुमको इस तरह से ही दिया हुआ है तो क्या प्रॉब्लम है, या तो लिमिट इसमें तो डायरेक्ट वैल्यू टू पे आ रहा है तो डायरेक्टली पुट कर देना है जो लिमिट में वो कंटिन्यूटी में यूज होगा है ना। यहाँ पे क्वेश्चन लिमिट में तुमको हो सकता है कि क्वेश्चन समटाइम्स पूछ सकता है ना कंफ्यूज करने के लिए, ऐसा कुछ रहेगा नहीं, बट वहां पे डायरेक्टली डिटरमिन कर सकते हो पुट करने के बाद, लेकिन होता है ना कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन डायरेक्टली दे दे उस तरह से है ना। बट लिमिट में बेसिकली क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, पूछना कैसा चाहिए, वो बेसिकली चेक करने के लिए देगा। क्वेश्चन टू टाइप्स के रहेंगे, एक तो इवैल्यूएट करना रहेगा, इवैल्यूएट करना रहेगा तो वहां पे डायरेक्ट क्या करना है, लिमिट फाइंड करना है। एक रहेगा ऑप्शन में अगर एग्जिस्टेंस टाइप के रहे है ना, सो इसमें देखना पड़ेगा दोनों केस, राइट हैंड लिमिट क्या आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रहा है। अगर दोनों सेम है तब बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, अदरवाइज वहां पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इवैल्यूएट एग्जिस्टेंस या ऑप्शन में इस तरह से रहे कि लिमिट एग्जिस्ट डज नॉट एग्जिस्ट इस टाइप के ऑप्शन रहे, तो वहां पे राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों फाइंड करना पड़ेगा डायरेक्टली। ऐसा नहीं करना है कि इवैल्यूएट कर लिए किसी के लिए राइट हैंड लिमिट के लिए या लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए और आंसर बता दिया, ऑप्शन में अगर दिया हुआ है कि डज नॉट एग्जिस्ट तो एक बार चेक करना है कि क्या राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट आ रहा है कि नहीं, अगर नहीं आ रहा है तो फिर क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट होगा। सिंपली क्वेश्चन में इवैल्यूएट करने के लिए दिया हुआ है तो इवैल्यूएट कर लोगे जो फॉर्म बताए हैं, अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है तो उसका मेथड फाइनली बताए हैं कैसे, फाइनली 0/0 फॉर्म में जाना है या इंफिनिटी/इंफिनिटी फॉर्म में जाना है इस तरह से, और एक दो फॉर्मूला आता है इसमें वो भी बता दूंगा। ठीक है, डिटर्मिनेट फॉर्म में है तो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर देना है, कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दे सकता है, वैसे पूछना नहीं चाहिए। आ रही बात समझ में? हेलो, हाँ। अब देखो इसमें डिफरेंट डिफरेंट मेथड होते हैं, वो बोले थे कि बताएंगे, जैसे फर्स्ट में अलजेब्राइक टाइप के रहेगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे लिमिट में, तो प्रोसेस में जो मेनली लगता है वो क्या हो जाएगा, एक डायरेक्ट में लिख सकते हो, हाँ डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लिख सकते हो है ना, इस तरह से, ये तो नॉन चीज है। सेकंड में फैक्टराइजेशन, ये तो बता चुका हूं है ना, रेशनलाइजेशन डबल रेशनलाइजेशन, यहाँ पे क्वेश्चंस करवाऊंगा। इसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज किया जाता है, इसमें ये लिख लो लिमिट व्हेन x टेंड्स टू इंफिनिटी, इसके केस में क्या किया जाता है ये भी बताऊंगा है ना।
ये अलजेब्रिक फॉर्म में आ गए हैं। फिर इसके बाद नॉन अलजेब्रिक फॉर्म में, इसमें क्या क्या आ जाएगा? ट्रिग्नोमेट्रिक वाले आएंगे, है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक फंक्शन, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट जो यूज किया जाता है ना, कॉन्सेप्ट ये बताऊंगा, लॉपिकल रूल इसको पढ़ा जाता है, एल हॉस्पिटल लिखा हुआ है, लॉपिकल रूल इसको बोला जाता है, ठीक है। ये कब एप्लीकेबल होता है? ओनली 0/0 फॉर्म और ∞/∞ फॉर्म में, ओनली एप्लीकेबल। ओके, इसके बाद एक और यूज किया जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करवाऊंगा, सैंडविच थ्योरम इसमें यूज किया जाता है, जब आएगा सब यूज इसका बताऊंगा। फिर लेबनिज थ्योरम इसमें यूज किया जाता है ना, ये बाद की बात है, ये सब क्वेश्चंस में लास्ट में बताऊंगा, मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तब, बट जो बेसिक होते हैं फर्स्ट में अलजेब्रिक, नॉन अलजेब्रिक में आ जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप के, ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन। अब चलते हैं फर्स्ट वाले में, अच्छा एक ग्राफ से क्वेश्चंस कर लो, चलो एक ग्राफ इस तरह से है, चलो यहाँ पे क्या बताना है, ये x एक्सिस हो गया, y एक्सिस हो गया, ये एफ एक्स का ग्राफ हो गया, है ना, एफ एक्स, सो लिमिट x टेंस टू -1 एफ एक्स, इसका वैल्यू बताओ फर्स्ट में, सेकंड लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स, सो y एक्सिस पे पॉइंट नहीं दिया हुआ, तो मार्किंग यहाँ पे 1 मान लो, ये 2 हो गया, है ना, क्लियर है ना, ये 1 हो गया, यस, लिमिट x टेंस टू 2 f है सर, 1 to 1 लिमिट x टेंस टू 3, क्योंकि हो सकता है ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस रहे तो क्लियर होना चाहिए, हो सकता है फंक्शन का ग्राफ बना लिया उसके बाद कुछ इस तरह से आ रहा है ना, तो इससे क्लियर हो जाएगा, एफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 4 एफ एक्स, बताओ फर्स्ट में क्या आएगा, सो 1 टू 1 एक्स टेंस टू, सेकंड में एग्जिस्ट नहीं करेगा, नॉट डिफाइंड, 5 एफ एक्स, बताओ फर्स्ट में, so 1 2 1
होगा कि नहीं जी, क्योंकि राइट हैंड लिमिट यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा लिमिट यहाँ पे व्हेन एक्स टेंड्स टू माइनस वन, तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, ये सुनो, हेलो क्लियर हो गया? यस सर, लेफ्ट हैंड लिमिट से ग्राफ वहाँ पे कनेक्ट नहीं है, इसीलिए क्या, हाँ ग्राफ वहाँ पे इसके पहले माइनस वन के पहले ग्राफ नहीं ना है, इसीलिए क्या होगा एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसके पहले डिफाइन ही नहीं है, है ना? यस क्लियर हो गया ना? यहाँ पे लिखोगे फंक्शन इज नॉट डिफाइंड व्हेन एक्स टेंड्स टू माइनस वन माइनस एच, क्लियर है? डिफाइंड ही नहीं है, है ना, उसके लिए तो फर्स्ट में क्या हो जाएगा लिमिट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेंगे, सेकंड में बताओ यहाँ भी क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ भी क्या हो जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि देखो लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे फाइंड करोगे इसके लिए एल एच एल दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, जस्ट इसके पहले जाओगे तो वैल्यू टू हो जाएगा, आर एच एल वैल्यू क्या हो जाएगा वन हो जाएगा, दोनों इक्वल नहीं है, है ना, दोनों डिफरेंट वैल्यू है ना, एग्जैक्टली यहाँ पे जीरो ना, जीरो माइनस पे देखोगे तो क्या मिल रहा है, अप्रोक्सीमेटली टू के इक्वल ही आ रहा है, ये सुनो क्लियर है, या देखो ये क्लोज इंटरवल है यहाँ पे ओपन है, तो जीरो माइनस में चलेंगे तो क्या हो रहा है अप्रोक्सीमेटली आउटपुट जो दे रहा है वो टू के इक्वल दे रहा है, तो वो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा टू हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो जीरो प्लस में कहाँ जा रहा है वन पे जा रहा है, दोनों इक्वल नहीं हुए इसलिए क्या हो जाएगा लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, अब टू पे देखेंगे टू प्लस या टू माइनस पे दोनों पे क्या है वन है, तो यहाँ पे सॉरी टू यहाँ पे टू प्लस के लिए यहाँ पे वन है, आर एच एल एंड एल एच एल दोनों क्या है वन है, तो यह एग्जिस्ट करेगा और लिमिट का वैल्यू क्या हो जाएगा वन हो जाएगा, है ना, एग्जिस्ट करेंगे एंड लिमिट का वैल्यू वन हो जाएंगे, फोर कंडीशन में थ्री पे देख रहे हैं, थ्री पे फंक्शन का वैल्यू एग्जैक्टली थ्री पे देख रहे हैं तो क्या हो रहा है वन मिल रहे हैं, ये देखो आउटपुट है बेसिकली, है ना, बट इसके राइट हैंड साइड में जाएंगे और लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे दोनों पे वैल्यू क्या मिल रहा है जीरो मिल रहा है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू जीरो, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू जीरो एंड लिमिट का वैल्यू भी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, दोनों सेम भी है, है ना, तो ये एग्जिस्ट करेगा, फोर के बारे में बताओ, फोर पे भी करेगा वैल्यू क्या हो जाएगा वन हो जाएगा, है ना, फाइव के बारे में बताओ नॉट डिफाइंड, हाँ क्योंकि इसके राइट साइड में क्या है डिफाइंड ही नहीं है, क्लियर हो गया ना यहाँ पे, तो अगर ग्राफ से रहेगा तो इस तरह से देखना है, कोई फंक्शन अगर इस तरह से भी दिया हुआ है तो थ्री पे तो फंक्शन डिफाइंड है ना, तुम लोग वहां सीधे सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, हाँ कोई दिक्कत नहीं, सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते क्योंकि एग्जैक्टली थ्री पे आउटपुट कहाँ पे दे रहा है वन पे दे रहा है ना, एग्जैक्टली थ्री पे आउटपुट क्या है वन पे दे रहा, वन दे रहा है, बट थ्री प्लस एच और थ्री माइनस एच के लिए क्या हो रहा है जीरो दे रहा है, तो लिमिट क्या हो रहा है, लेकिन फंक्शन तो सर वैल्यू वहां पे कुछ दे रहा है ना, तो उसको हम लोग नेगलेक्ट कर रहे हैं, वो जब हाँ मतलब कंटिन्यूअस नहीं है इसलिए, हाँ वो कंटिन्यूअस नहीं है, लिमिट का बात यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, वो कंटिन्यूटी में देखेंगे कंटिन्यूअस है कि नहीं जो, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट उससे कंफ्यूजन नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना है, वो देखेंगे राइट हैंड लिमिट क्या आ रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रहा है एग्जैक्टली उस पर्टिकुलर वैल्यू पे, उस पर्टिकुलर वैल्यू से हम लोग को लेना देना नहीं है, आई बात समझ में? यस सर, हेलो, है ना, वो स्टैटिक कंडीशन हो गया, यहाँ पे क्या होता है जैसे एग्जैक्टली एक्स टेन टू एक्स इज इक्वल टू लिखेगा थ्री, यहाँ पे एक्स टेन्स टू थ्री है इट मीन्स एग्जैक्टली थ्री नहीं है, या तो थ्री प्लस एच है और थ्री माइनस एच है, रनिंग कंडीशन हो गया, एक्स इज इक्वल टू अगर स्टैटिक कंडीशन रहेगा तो एक्स इज इक्वल टू थ्री बोल देगा, है ना, अगर यहाँ पे फंक्शन इसके क्रॉस कॉर्डिंग वन मिल रहा है एक्स इज इक्वल टू क्या है थ्री है,
सो अगर लेफ्ट यहाँ पे पूछेगा कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, यस यस करेगा लिमिट, ये एफ एक्स है ना, एक्स टेंड्स टू थ्री, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, वन हो जाएगा। देखो इसके क्या होगा, पहले वन मिल रहा है और इसके जस्ट बाद में भी देखेंगे तो वन ही मिल रहा है, एग्जैक्टली थ्री से हम लोग को मतलब नहीं है, है ना। ओके चलो कुछ क्वेश्चंस कर, अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ इसमें देख लेते हैं, अच्छा कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसका जो प्रॉपर्टीज है लिमिट का वो क्लास में देख लेंगे। सब्स्टिट्यूशन वाले बताना नहीं है, यहाँ पे रेशनलाइजेशन पे देख लेते हैं, फैक्टराइजेशन है ना, एक क्वेश्चन इजी क्वेश्चंस कल करवाए थे, एक वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करना है, फैक्टराइजेशन लिमिट कैसे दे देता हूँ, क्या इस मेथड से लिमिट का वैल्यू कैसे आ जाता है, लिमिट का वैल्यू जो अनडिफाइंड वाले पार्ट है ना उसको कैंसिल आउट कर दिया जाता है, बताया हूं ना, जैसे देखो लिमिट x टेंस टू टू, यहाँ पे x स्क्वायर माइनस फोर डिवाइडेड बाई x माइनस टू, यह हर जगह एग्जांपल मिल जाएंगे, तो यहाँ पे क्या होता है जो अनडिफाइंड बन रहे हैं जिस फैक्टर के कारण उस फैक्टर को कैंसिल आउट कर देंगे, इसको लिख सकते हैं ना, लिमिट x टेंस टू टू x माइनस टू इंटू क्या हो जाएगा x प्लस टू डिवाइडेड बाई x माइनस टू। अब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में इस फैक्टर के कारण क्या हो रहा है कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म में जा रहे हैं, है ना, तो ये दोनों फैक्टर को क्या कर लेंगे, कैंसिल आउट कर लेंगे, सेम फैक्टर है ना, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, उसके बाद ये क्या हो जाएंगे, डिटर्मिनेट फॉर्म में चला जाएगा। सो ये सब प्रोसेस यूज किया क्यों किया जाता है, फैक्टराइजेशन रेशनलाइजेशन स्टैंडर्ड फॉर्मूला सारे को यूज करके क्या करते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म से डिटर्मिनेट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, क्लियर हो गया ना, ये इसका ग्राफ बनाइए, इसका ग्राफ बनाओगे अगर फाइनली जब देख रहे हो इसका ग्राफ बनाओगे तो क्या हो जाएगा, इसका डोमेन टू के इक्वल नहीं होना, कैंसिल आउट करोगे बट यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू टू नहीं होना चाहिए, तो डायरेक्टली वाई इज इक्वल टू क्या करना है, एक्स प्लस टू का ग्राफ बना लो, सो एक्स जीरो करोगे वाई का वैल्यू टू मिलेगा, वाई जीरो करोगे एक्स का वैल्यू माइनस टू मिलेगा, इस तरह से, और एक्स इज इक्वल टू टू नहीं होना चाहिए, है ना, तो टू पे क्या करना है वो फिर, आई बात समझ में, तो देखो इसके जस्ट पहले क्या मिल रहा है, क्या एफ एक्स का भी सेम ग्राफ होगा, हेलो क्या बोला, यस सर, फाइनली कैंसिल आउट करोगे तो यही मिलेगा ना ग्राफ उस फैक्टर को, yes. सिंप्लीफाई करने के बाद तो यही मिलेगा ना, y is equal to x plus 2 मिल रहा है, इसका ग्राफ बनाओ कहाँ पे अनडिफाइंड है, x is equal to 2 पे एक्चुअली वैल्यू ही नहीं दे रहा है, तो वहां पे क्या करना है, एक ओपन सर्कल बना लेना है ना, क्लियर है, yes, टू प्लस h में ये आउटपुट दे रहा है, टू माइनस h में देखेंगे तो यही आउटपुट दे रहा है, दोनों क्या होगा आउटपुट सेम मिलेगा, approximately output क्या है, दोनों सेम ही है, है ना, yes, okay, अब एक problem बनाओ इस पे, factorization पे ही, limit x tends to 2 to the power x plus to the power 3 minus x माइनस सिक्स डिवाइडेड बाई टू द पावर माइनस एक्स वाई टू माइनस टू द पावर वन माइनस एक्स, बताओ क्या आएगा वैल्यू, ऑप्शन दे दूं, एट फोर टू वन, फैक्टराइजेशन, अब कौन से फॉर्म, पहला स्टेप क्या था जी, पहले फॉर्म चेक करते थे ठीक ना, स्टेप वन ऑलवेज जो रहेगा वो क्या करना है, चेक द इनडिटर्मिनेट फॉर्म,
सो जीरो बाय जीरो तो इनडिटरमिनेट फॉर्म में जा रहा है, तो बताओ क्या होगा, आंसर बताओ। कितना आंसर आएगा? एट एट गुड, सबका आ गया। सो एक सेकंड, तब तक एक क्वेश्चन और करना, एट आएगा है ना, अब वो तुम्हारा काम है, आंसर बता दिया हूँ। एग्जांपल सेकंड, ये फैक्टराइजेशन है, फैक्टराइज करके कैंसिल आउट कर लेना है ना, इसको क्या लिखोगे, सिंप्लीफाई कर लेना पहले, टू पे पावर थ्री अब बाई क्या हो जाएगा, टू पे पावर एक, ये एट बाई क्या हो जाएगा, टू पे पावर एक है ना, उसको सिंप्लीफाई करना, यहाँ पे लिखोगे इस वाले पार्ट को लिख लेना टू बाई टू द पावर एक्स लिखोगे, देन सिंप्लीफाई कर लेना है ना, वो कैंसिल आउट हो करके फैक्टराइज हो जाएगा, ट्राई करना, या बता दूं सर एनी प्रॉब्लम क्या बन जाएगा सर? यस ओके, एक और प्रॉब्लम है, एक्स टू द पावर थ्री प्लस सेवन एक्स स्क्वायर माइनस थर्टी सिक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस एट, यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू टू, बताओ क्या आएगा आंसर, ऑप्शन दे दूं, 14 बाई 5, 28 बाई 5, 7 बाई 5, 42 बाई 5, बताओ सॉल्व करके, बहुत इजीली इसको देख सकते हो, थोड़ा सा सोचोगे तो कुछ सोचना ही नहीं है इसमें, x इज इक्वल टू टू पुट करो, कौन सा फॉर्म आ रहा है, टू पुट करोगे सर्टेनली जीरो बाई जीरो फॉर्म ना है ना, आंसर बताओ। सो मेरा 20/3 आया, 20/3 ये सर मेरा भी 20/3 आ रहा है, 20/3 आ रहा है, यस सर 20/3 आ रहा है, 40/6 चल एक मिनट,
ट्वेंटी सही है तब इसमें आंसर ऑप्शन दिया होगा यहाँ पे ठीक है 20/3 कर ले हाँ सही है 20/3 ही आएगा क्योंकि 4 एंड 2 6 आ रहा है ना डिवाइड में डिनोमिनेटर में 40/6 हाँ ठीक है सही है ऑप्शन करेक्ट कर लेना ऑप्शन ही गलत क्योंकि 6 आ रहा है डिनोमिनेटर में वो फैक्टराइज करने के बाद फोर प्लस टू सिक्स ओके यही आएगा आंसर यही है आंसर 20/3 ना अब देखो यहाँ पे क्या कर रहे हो एक्स इज इक्वल टू टू पुट कर रहे हो तो क्या हो रहा है जीरो हो रहा है इट मीन्स क्या हो जाएगा कि एक्स इज इक्वल टू टू इसका फैक्टर हो जाएगा तो एक लिख सकते हो एक्स क्यूब प्लस 7x² - 36 इसको लिखोगे एक्स क्यूब माइनस क्या करना है एक्स इज इक्वल टू टू आना चाहिए तो यहाँ पे क्या लिखोगे माइनस टू एक्स स्क्वायर -2x² तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 9x² तो ये हो जाएगा 18x यही ना यस सर सो यहाँ पे लिखोगे 18x तो प्लस करना पड़ेगा 18x और माइनस 36 अब कॉमन ले लो है ना उस तरह से लिखेंगे तो x यहाँ पे आ जाएगा x² - 2 + 9x - 2 + 18x - 2 फाइनली फैक्टराइज कर लेना x² + 9x + 18 × x - 2 यहां से भी क्या करोगे x - 2 and x + 4 आ रहा है यही ना x - 2 × x + 4 ठीक है x - 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा फिर पुट कर लोगे यही कुछ हो रहा है क्या ओके देन 40 आ जाएगा ना हाँ ठीक है नेक्स्ट वन बन गया सबसे फर्स्ट वाले बना था एक और प्रॉब्लम इसमें देख लो लिमिट x → 1 x² + x log x - 1 डिवाइडेड बाई x³ - 1 इसका आंसर बताओ कितना आएगा कितना आया जी आंसर इसका सर 2/3 2/3 क्या किया डिफरेंशिएट कर दिया क्या नहीं सर फैक्टराइज किए फैक्टराइज ओके सबका आ गया इसको साथ में रखना है ना x² - 1 + x log x - log x और ये हो जाएगा x - 1 × x² + x + 1 लिमिट x → 0 x + 1 × x - 1 यहाँ पे log x × x - 1 ठीक है वो कॉमन आ जाएगा कितना है आंसर अरविंद 3/2 2/3 गुड ओके नेक्स्ट रेशनलाइजेशन रेशनलाइजेशन में
कुछ एग्जांपल प्रोसेस तो पता ही है ना, एग्जांपल लिखो। लिमिट x टेंड्स टू जीरो, a प्लस 2x x टेंड्स टू a प्लस 2x माइनस स्क्वायर रूट 3x डिवाइडेड बाई, ये दे दिए थे क्या, 3x प्लस x माइनस 2 स्क्वायर रूट x है ना। तो 3x plus x, a plus 2x minus 3x square root 3x divided by 3x plus यहाँ पे 3x plus 3a plus x, sorry x tends to a, आंसर बताओ। यस वन हो गया। सेकंड लिमिट एक्स टेंड्स टू वन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एट डिवाइडेड बाय यहाँ माइनस में स्क्वायर रूट टेन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री माइनस स्क्वायर रूट फाइव माइनस एक्स स्क्वायर। लिमिट x टेंड्स टू माइनस वन थ्री स्क्वायर रूट सेवन माइनस x माइनस टू डिवाइडेड बाई x प्लस वन, तो टू बाई थ्री रूट थ्री। फर्स्ट का टू बाई थ्री रूट थ्री, टू बाई थ्री रूट थ्री इस तरह से नहीं सर, रूट थ्री डिनोमिनेटर में नीचे जाएगा। ओके सबका आ गया इतना आंसर। देखो फॉर्म चेक कर लेना, डबल रेशनलाइजेशन लगा है ना इसमें कॉन्सेप्ट, ये ना। यस सर। यस ओके नेक्स्ट ये वाले कर लो, ये होमवर्क में आ जाएगा। एक और देता हूँ इसमें, बन गया क्योंकि रेशनलाइजेशन है इसमें क्या ही बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। हाँ ये सही आंसर। नेक्स्ट इसको बनाओ, इसका आंसर टू बाई थ्री आना चाहिए। ओके अदरवाइज ये एग्जांपल बनाओ, ट्राई करना। ये सर टू बाई थ्री आया, टू बाई थ्री आया ना। लिमिट सबसे बन रहा है कि नहीं, लिमिट एक्स टेंस टू स्क्वायर रूट टेन स्क्वायर रूट सेवन प्लस टू एक्स माइनस रूट फाइव प्लस रूट टू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस टेन बन जाएगा। ये भी होमवर्क में दी, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन सही ना, ये होमवर्क में रहेगा है ना। ये बनाओ अभी, ट्राई करो। तो ये लास्ट है रेशनलाइजेशन का,
ये ट्राई कर, आंसर बताओ क्या आएगा। कौन से फॉर्म में जा रहा है? जीरो बाई जीरो, जीरो बाई जीरो फॉर्म है ना। कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पता है, फैक्टराइजेशन सॉरी स्क्वायर रूट आया, इट मींस क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा। ट्राई करो, दो टर्म ऑलरेडी दिख रहा है। अगर दिक्कत हो रहा है तो इसको इस तरह से लिख सकते हो, स्क्वायर रूट में रूट फाइव का फाइव प्लस टू प्लस टू रूट क्या हो जाएगा, टेन हो जाएगा। एट में ये जो वैल्यू लिखा हुआ है, सो वन बाय टू टेन प्लस फाइव प्लस टू रूट स्क्वायर रूट, इस तरह से ही लिखा हुआ है। ठीक है, देखो इसी के फॉर्म में सेवन प्लस टू इंटू स्क्वायर रूट टेन लिखा हुआ, कितना आया वन बाय रूट टू इंटू टू रूट फाइव प्लस टू रूट टू। आंसर तो नहीं है, एक दो लोग का मैच करेगा तो आगे बढ़ा जा सकता है। हाँ आंसर बताना कितना आया आंसर फाइनली, वन बाई रूट टेन इंटू इतना ही टू रूट टेन इंटू रूट फाइव प्लस रूट टू। यस ओके, रूट फाइव प्लस रूट टू। हाँ ओके आ गया, किसी और का आया कि नहीं? देखो सिंपली रेशनलाइजेशन करना है, मैच कर लेना फाइनली क्या आ रहा है आंसर, इतना आ रहा है कि नहीं। यह बता दो अंशिका, रवि सर मेरा कुछ और आ रहा है सब बता दीजिए तो सॉल्व कर दूं क्या? ओके यस सर, थर्ड आंसर तब तक अरविंद ये ट्राई करना, ये बनाना है ना, तब तक मैं देखता हूँ। इसको देखो रेशनलाइज करोगे तो क्या हो जाएगा, सेवन डायरेक्टली लिख रहा हूँ सेवन प्लस टू एक्स स्क्वायर रूट को फ्री कर दे रहा हूँ, माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वाले वैल्यू को लिखोगे स्क्वायर करोगे तो रूट फाइव प्लस रूट टू का स्क्वायर है ना डिवाइडेड बाई एक्स प्लस स्क्वायर रूट टेन इंटू एक्स माइनस स्क्वायर रूट टेन, और ये वाले पार्ट यहाँ पे आ जाएंगे तो सेवन प्लस टू एक्स स्क्वायर रूट में प्लस रूट फाइव प्लस रूट टू। कोई दिक्कत नहीं ना, डायरेक्टली लिखा हूं ये वाले टर्म और ये वाले टर्म एक साथ रखा हूं, सो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किए हैं, तो देखो लिमिट एक्स टेंस टू स्क्वायर रूट टेन। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करना है, जो न्यूमरेटर में आएगा इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा, फाइव प्लस टू प्लस टू रूट टेन है ना, रूट फाइव इंटू रूट टू, ए प्लस बी का होल स्क्वायर करना है तो ये वाले वैल्यू आएंगे, सेवन सेवन क्या हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, सो टू एक्स लिमिट एक्स टेंस टू स्क्वायर रूट टेन यहाँ पे आ जाएगा टू एक्स माइनस टू स्क्वायर रूट टेन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस स्क्वायर रूट टेन इंटू एक्स माइनस स्क्वायर रूट टेन, और ये जो वैल्यू है यहाँ देखो ये डिटर्मिनेट वैल्यू है ना, इसका वैल्यू देखो पुट करके देखो, कोई भी ऐसा नहीं है कि टेंस टू जीरो हो रहा है, तो डायरेक्टली वैल्यू पुट भी कर सकते हो यहीं पे, जो फैक्टर में फाइनाइट वैल्यू दे रहा है तो उसमें डायरेक्टली पुट करके देख लो क्या आ रहा है, तो यहाँ पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट सेवन प्लस टू रूट टेन है ना प्लस रूट फाइव प्लस रूट टू। ओके अब न्यूमरेटर में जो आया है टर्म, यहाँ पे टू कॉमन ले लो, टू कॉमन लोगे तो ये वाले कैंसिल आउट हो जाएगा, टू बच जाएगा, ये सुनो अब ये स्क्वायर रूट टेन पुट कर देना है, तो टू बाई यहाँ पे देखो स्क्वायर रूट टेन प्लस स्क्वायर रूट टेन है ना,
और यहाँ पे हो जाएगा, ये वाले को लिख सकते हो क्या, स्क्वायर रूट फाइव प्लस स्क्वायर रूट टू लिख सकते हो, यस और नो? सो ये टू टाइम्स हो जाएंगे सेम टाइम्स, सो टू टाइम्स ये हो जाएगा स्क्वायर रूट फाइव प्लस स्क्वायर रूट टू, और यहां से आ जाएगा ये वाले को टू स्क्वायर रूट टेन, सो टू टू कैंसिल आउट, फाइनली जो आंसर आएगा वन बाई टू स्क्वायर रूट टेन इंटू रूट फाइव प्लस रूट टू। समझ में आया जी? सर रेशनलाइजेशन में ऊपर से दोनों को कर सकते हैं क्या सर? जो इस फॉर्म में रेशनलाइजेशन फॉर्म से उसमें रेशनलाइजेशन में सर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में से किसी को भी कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हो, लेकिन रेशनलाइजेशन क्यों किया जाता है? रेशनलाइजेशन का मीनिंग ये क्या होगा, इरेशनल है उसको क्या करना है, मींस स्क्वायर रूट से फ्री फ्रॉम होना चाहिए ना, फ्री होना चाहिए बेसिकली। दोनों साथ में भी कर सकते हो, न्यूमरेटर को पहले कर लो फिर डिनोमिनेटर को करोगे, या साथ में ही कर लो, है ना? बेसिकली ये सारे स्टेप क्यों करते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म से जो टर्म्स हैं जो बेसिकली इनडिटर्मिनेट बना रहा है उसको कैंसिल आउट हो जाना चाहिए। रेशनलाइजेशन में स्क्वायर रूट में टर्म आ गए हैं, क्यूबिक रूट में आ गया, तो हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि उससे फ्री हो जाना चाहिए, जो उसमें ट्रबल क्रिएट कर रहा है उसको हटा देना चाहिए, ठीक है? इस तरह से आए कि कैंसिल आउट हो जाए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, है ना? तो यहाँ पे स्क्वायर रूट में आ रहा था कौन सा टर्म, ये वाले टर्म यहाँ पे आ रहा था स्क्वायर रूट में, है ना? इस वाले टर्म से क्या करना है, पहले इससे छुटकारा पाना है। यहाँ पे देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, तो इसको क्या कर सकते हैं, फैक्टोराइज कर लेना है, तो हो सकता है कि क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होगा, है ना? तो ये सोचना पड़ेगा, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो आराम से इजीली आ जाएगा। ओके ठीक है, देन नेक्स्ट। हाँ सर, माइनस वन बाई ट्वेल्व है क्या उसका आंसर? शायद कुछ ऐसा ही है, देखना पड़ेगा, बता दूंगा, ठीक है? इस वाले का ना यस सर, आंसर देख के बता दूंगा। ओके नेक्स्ट, सर वो होमवर्क वाला क्वेश्चन एक बार दिखाइए ना। देखो ज्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि ऑलरेडी ये सब फैक्टराइजेशन आता है, रेशनलाइजेशन आता है, ये तुम्हारा काम है, ये कॉन्सेप्ट वहीं पे खत्म हो गया है ना। अच्छा टाइप थ्री में एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, इस तरह से रहेगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू एन इंटू ए टू द पावर एन माइनस वन। अब इसको प्रूफ कैसे करोगे कि यही रिजल्ट आएगा, किसी को पता है? बाइनोमियल से। अच्छा ये बताना कि एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन का जो आता है एक्सपेंशन क्या आता है, एक्स माइनस ए माइनस ए एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस प्लस एक्स टू द पावर एन माइनस टू ए टू द पावर वन प्लस एक्स टू द पावर एन माइनस थ्री ए स्क्वायर प्लस डॉट, लास्ट टर्म क्या आएगा जी, ए टू द पावर माइनस एन माइनस वन, है ना? सारे टर्म्स क्या हो जाए, पॉजिटिव में हो जाएंगे। अब देखो अब यहाँ पे लिख सकते हो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स माइनस ए इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस एक्स टू द पावर एन माइनस टू ए एक्स टू द पावर एन माइनस थ्री ए स्क्वायर प्लस डॉट ए टू द पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा एक्स माइनस ए, ये टर्म कैंसिल आउट हो गए हैं। ये नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं टोटल टर्म्स, प्लस वन एन, है ना? देखो यहाँ पे ए टू द पावर जीरो से स्टार्ट हो रहा है, एन माइनस वन तक जा रहा है, जीरो से स्टार्ट हुआ एन माइनस वन तक गया, नंबर ऑफ टर्म्स कितने मिल गए हैं, एन मिल गए। अब सारे में क्या करना है, एक्स के जगह पे ए को रिप्लेस करना है ना, ये पुट करोगे यहाँ पे तो ए टू द पावर एन माइनस वन, देखो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, दोनों के डिग्री को सॉरी दोनों के डिग्री को देखोगे ऐड करके एन माइनस टू, और यहाँ पे वन है, है ना? तो एन माइनस टू और प्लस वन एन माइनस वन आ जाएगा, यहाँ पे दोनों को ऐड करो क्योंकि ए ही जा रहा है ना, एक्स को रिप्लेस करोगे तो इस तरह से हो जाएगा ए टू द पावर जीरो ए टू द पावर एन माइनस टू इंटू ए
प्लस ए टू द पावर एन माइनस थ्री इंटू ए स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, लास्ट में क्या हो जाएगा ए टू द पावर एन माइनस स्क्वायर। टोटल टर्म्स कितने हैं, एन है, और सभी टर्म्स क्या आ रहा है ए टू द पावर एन माइनस वन आ रहे हैं, ये भी ए टू द पावर एन माइनस वन है, ये भी ए टू द पावर एन माइनस वन है, ए टू द पावर एन माइनस वन है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एन है, सो एन इंटू ए टू द पावर एन माइनस वन, ठीक है, जो भी हो इसको याद रखना है, डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, किसी को प्रॉब्लम नहीं ना, आई बात समझ में? हेलो, यस सर, यस सर। यहां देखना कि जो फॉर्मूला x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a लिमिट x टेंड्स टू a, ये जीरो बाई जीरो फॉर्म में है ना, इसका जो वैल्यू होता है n इंटू a टू द पावर n माइनस वन, हो सकता है कि इस तरह से भी हो, इसमें कुछ चेंजेज रहे, कांस्टेंट ही रहेगा, x रहा अब प्लस k रहा, ठीक है, यार सपोज इस तरह से मान लो f x है ना, ये देखो ये वेरिएबल वाले पार्ट होंगे, ये कांस्टेंट होगा, यहां भी क्या है ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट, सो एफ एक्स टू द पावर एन माइनस यहां ए टू द पावर सपोज एन रहा, एफ एक्स माइनस क्या रहा, यहां पे क्या हो जाएगा ए रहेगा, लिमिट एफ एक्स टेंस टू ए, अगर इस तरह से भी वैल्यू है तो यहां पे क्या हो जाएगा भाई, फाइनली आंसर जो आएंगे वो क्या होगा एन इंटू ए टू द पावर एन माइनस वन, ये दिया हमने, इफेक्टिव जो वैल्यू होना चाहिए वो जीरो के टर्म्स में जाना चाहिए, यहां भी जीरो के टर्म्स में जाना चाहिए, ओके एग्जांपल एक एग्जांपल देख लो, अगर x टू द पावर 100 माइनस 2 टू द पावर, यहां पे ये ध्यान रखना कि दोनों पे जो डिग्री रहेगा वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सो x माइनस 2 लिमिट x टेंस टू 2 क्या आएगा आंसर जी, 100 इंटू टू द पावर 99, एन इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 100 है जो डिग्री होता है वो, तो 100 इंटू टू द पावर 100 माइनस वन, यही ना, यस सर, ओके नेक्स्ट लिमिट एक्स टेंस टू 2 एक्स टू द पावर 10 माइनस 1024 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 5 माइनस 32, यस सर 64, 64 चलो 64 ही आएगा, इसको क्या लिखोगे लिमिट x टेंस टू 2, इसका तरीका क्या है कि देखो एलजेब्रा ऑफ लिमिट बताएंगे तो उसमें यह बताऊंगा कि लिमिट न्यूमरेटर में भी चला जाएगा डिनोमिनेटर में भी चला जाएगा, तो डिनोमिनेटर के लिए भी अलग से यूज हो जाएगा न्यूमरेटर के लिए भी अलग से यूज हो जाएगा, है ना, अदरवाइज इसको लिख सकते हो x टू द पावर इसके टर्म्स में लिख लो x टू द पावर ये 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा माइनस यहाँ पे 32 का 2 पे पावर 5 ये क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, डिग्री क्या हो गया सेम हो गया, यहाँ पे x टू द पावर 5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 32 हो जाएगा, अब इसको लिख सकते हो क्या n इज इक्वल टू यहाँ पे 2 है ना 2 इंटू 32 पे पावर क्या हो जाएगा 2 माइनस 1
इट मीन्स क्या हो जाएगा 64। और भी इसको बनाने का तरीका है, एक्स टू और 10 माइनस 10 24 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा एक्स माइनस टू होल डिवाइडेड बाई एक्स टू और 5 माइनस 32 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा एक्स माइनस टू, है ना। देखो यहाँ पे चला जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 और यहाँ भी लिमिट x टेंस टू 2। ओके, तो अब इसके लिए यूज हो जाएगा, फिर इसके लिए सेपरेटली यूज करो, जो वैल्यू आएगा उसका क्या करना है रेशियो ले लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? नो सर। ओके, हाँ उसका आंसर क्या आया था अरविंद, माइनस 1/12 ना, सही है? यस सर। हाँ ठीक है, इसके बाद देखो इसमें और कुछ प्रॉब्लम देख लो एक दो। स्टैंडर्ड फॉर्मूला राइट, ध्यान जल्दी से बनाओ। x प्लस 2 पे पावर 5/3 है ना, माइनस a प्लस 2 पे पावर क्या हो जाएगा 5/3। ये तो फिक्स है कि डिग्री सेम होना चाहिए। यहाँ पे x माइनस a लिमिट x टेंस टू, ये बताया थे x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a, ये कांस्टेंट होना चाहिए और ये वेरिएबल वाला पार्ट, वेरिएबल प्लस कांस्टेंट भी हो सकता है, और यहाँ पे इसी का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है, जो लिखा हुआ है उसी का डिनोमिनेटर में डिफरेंस होना चाहिए। क्या आएगा 5/3 into a plus 2 to the power 2/3। ओके, तो देखो ये टर्म x प्लस 2 है, यहाँ पे क्या है a प्लस 2 लिखा हुआ है, तो सेम टर्म यहाँ पे आना चाहिए, है ना, दोनों का डिफरेंस। सो लिमिट x टेंस टू a, अगर इसको चेक भी करोगे तो 0/0 फॉर्म होगा, फर्स्ट क्या करना है चेक ही करना है एग्जामिनेशन में, वो तो चेक करना ही पड़ेगा किस फॉर्म में जा रहा है। तो यहाँ पे x प्लस 2 पे पावर 5/3, a प्लस 2 पे पावर क्या हो जाएगा 5/3, यहाँ पे लिखोगे x प्लस 2 माइनस a प्लस 2, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, है ना, सेम चीज हो गया, कोई दिक्कत? अब देखो डायरेक्टली फॉर्मूला अभी यूज कर लो, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/3 इंटू ए प्लस 2 पे पावर 5/3 माइनस 1, यही ना जी अद्वै? यस सर, यही आया आंसर। यस सो हेलो, समझ में आया? सो हर एक क्वेश्चंस में क्या करना है इसी तरह से कर लेना है कि ये वाले पार्ट यहाँ पे होना चाहिए, सेकेंड वाले पार्ट जो आएगा यहाँ डिस्टेंस में, सेम टर्म दोनों जगह अवेलेबल, तो एक में प्लस टू की है एक में क्या, दोनों में प्लस टू की है बट डिफरेंस में है, तो वो सब्ट्रैक्ट करके क्या आ जाएगा, सिंप्लीफाई करोगे तो इसको x प्लस टू और माइनस ए माइनस टू, ये x माइनस ए ही रह जाएगा, है ना, समझ में आया? बोलो। यस सर। अगर नहीं समझ में ओके, हाँ सर, अगर डिफरेंट फॉर्म में रहा तब क्या करेंगे? क्या सर, अगर 0/0 ना हो कोई और फॉर्म में रहा तो? कौन से फॉर्म में? दो ही इस टाइप के प्रॉब्लम में दो ही फॉर्म जाएंगे, वो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी वाले बताता हूँ। क्या? एक इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी वाले फॉर्म बताऊंगा, नहीं नहीं उसके लिए फॉर्म बता रहा हूँ ना, 0/0 फॉर्म ही आएंगे इस वाले में, स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला x टू द पावर n माइनस x टू द पावर n x माइनस n, ये 0/0 फॉर्म है। अलजेब्रिक फंक्शन में इसमें कौन सा और फॉर्म आ सकता है? क्या सर, जो एक अलजेब्रिक फंक्शन है, हाँ सर, उसमें अगर 0/0 फॉर्म ना हो कोई और फॉर्म रहा तो क्या करें? उसका बता दूंगा, कोई जरूरी नहीं है कि 0/0, हो सकता है इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म रहे, हो सकता है इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म रहेंगे, तो उसका वही है ना, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म रहेगा तो क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है उसको और चेंज करना है 0/0 फॉर्म में, नहीं तो इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म में, तरीका तो यही है 0/0 फॉर्म में या इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म में उसको चेंज कर लेंगे सिंप्लीफाई करने के बाद,
प्रॉब्लम आएगा yes, आइडिया लग जाएगा। अब एक और प्रॉब्लम बनाओ इसमें, वन माइनस एक्स टू द पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, इसका आंसर बताओ क्या आएगा। माइनस एन, माइनस एन, माइनस एन, श्योर है? देखो इसको क्या लिखोगे, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, डिफरेंस डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए, तो वन माइनस एक्स टू द पावर क्या लिखा हुआ है, एन लिखा हुआ है। ठीक है, माइनस वन डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स है ना, और ये क्या हो जाएगा माइनस वन। सो माइनस यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा एडजस्ट करने के लिए, कहो यहाँ पे माइनस रखना होगा है ना। अब फॉर्मूला एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन मीन्स वन लिखा हुआ है, तो ये क्या है डिग्री एन है, सो क्या लिखेंगे माइनस एन इंटू वन टू द पावर एन माइनस वन, दिस इज इक्वल टू माइनस एन। ठीक है, एक और बनाओ, समझ में आ रहा है? हेलो, यस सर, ओके, यस सर। लिमिट एक्स टेंस टू वन एक्स टू द पावर वन बाई थ्री प्लस एक्स टू द पावर वन बाई फोर प्लस एक्स टू द पावर वन बाई फाइव है ना माइनस थ्री डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन, क्या होगा? फोर्टी सेवन बाई सिक्सटी देख लेते हैं। फोर्टी सेवन बाई सिक्सटी आ रहा है। ठीक है, सबका आ गया? यस सर। ओके, चलो ठीक है, क्योंकि इसको क्या करेंगे थ्री टर्म्स में क्या करेंगे, स्प्लिट कर लेंगे माइनस वन एक चला जाएगा माइनस वन इसके साथ, एक माइनस वन इसके साथ और एक रह जाएगा इसके साथ माइनस वन। एक्स टू द पावर क्या हो जाएगा वन बाई थ्री माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन प्लस एक्स टू द पावर वन बाई फोर माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन प्लस एक्स टू द पावर वन बाई फाइव माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन है ना। लिमिट एक्स टेंस टू वन, अब एलजेब्रा ऑफ लिमिट के अकॉर्डिंग क्या होगा, हर एक में सेपरेट हो जाए, उसको क्या करना है फॉर्मूला यूज करके यूज कर लेना है। एक और प्रॉब्लम बनाओ इसमें, किसी को परेशानी है इसमें? नहीं ना, बन गया था ना? ट्राई करो, वन प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर वन बाई थ्री माइनस वन माइनस टू एक्स टू द पावर वन बाई फोर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो,
बन जाएगा। चलो ये होमवर्क में दे देता हूँ, आंसर बता दूं क्या? सर वन बाय टू, वन बाय टू आ रहा है। ओके देख लेता हूँ, फाइनली गुड। वन बाई टू ही है ना। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, एक्स टेंस टू वन रखो। सेवन प्लस एक्स क्यूब टू द पावर वन बाई थ्री माइनस थ्री प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर वन बाई टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन, ये भी रहेगा होमवर्क में, है ना। एक्स टू द पावर एन प्लस वन माइनस एन प्लस वन एक्स प्लस एन, x to the power n plus 1 minus n plus 1 x plus n divided by x minus 1 ka whole square, limit x tends to 1। ठीक है, इसका भी value, ये भी homework में रहेगा। आया सबका? नहीं आया तो होमवर्क में इसको बना लेना। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, सिग्मा k इज इक्वल टू वन टू हंड्रेड, x टू द पावर k है ना माइनस 100 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 लिमिट x टेंस टू 1, ये होमवर्क में रहेगा। आंसर बता दूं या करके आओगे? सर नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्लास, हां नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। एंड देख करके आना, एलजेब्रा ऑफ लिमिट में क्या है कि फंक्शन जिसकी भी लिमिट जो है वो न्यूमरेटर में रहे या डिनोमिनेटर में रहे, हर जगह क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा। जैसे लिमिट x टेंस टू a लिखा हुआ है, यहाँ पे एफ एक्स प्लस जी एक्स है या माइनस है जी एक्स, है ना। तो ये जो है वो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स प्लस माइनस लिमिट x टेंस टू a जी एक्स, इसको जी एक्स कर लो, है ना। अगर मल्टीप्लीकेशन में है तो मल्टीप्लीकेशन में भी चला जाएगा सेपरेटली, डिवीजन में तो डिवीजन में भी सेपरेटली चला जाएगा। तो एक बार देख करके आओ ना, बुकलेट मिला है ना, बुकलेट भी मिला ना। अच्छा सर को, अतुल सर को बोला हूँ आज अपलोड कर देंगे, एक बार चेक कर लेना 9 से 10 बजे तक, है ना। लिमिट x टेंस टू a अगर f ऑफ जी एक्स इस तरह से लिखा हुआ है, है ना, तो यहां भी चला जाएगा। ये बताऊंगा अब नेक्स्ट क्लास में, लिमिट सॉरी ये सोचना है कि लिमिट हर जगह चला जाएगा, जहां भी फंक्शन देखेगा जहां यूज किया जा सकता है वहां पे चला जाएगा। x टेंस टू a ये हो जाएगा जी एक्स इस तरह से, जहां पे लिमिट मान जाएगा। अगर यूज यहां भी बाद में लिमिट का यूज होगा तो यहां भी रह जाएगा, ठीक है। e टू द पावर अगर एफ एक्स है, लिमिट x टेंस टू a दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e टू द पावर लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में इसको शायद 8 और 9 है ऐसे, वो बता दूं मैं एलजेब्रा ऑफ लिमिट क्या। तो लास्ट का आंसर 100 है क्या? लास्ट का आंसर हाँ 100 ही आएगा।
तो एक बार देख लेना ठीक है, और वो होमवर्क में दिए हैं बना करके आना, देखते हैं नेक्स्ट क्लास में होमवर्क एक ही साथ दे दूंगा। डिफरेंट टाइप्स का जो है ना वो नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे, उसके बाद मिसलेनियस क्वेश्चंस उसके बाद देखते रहेंगे ठीक है। बेसिक क्वेश्चंस एक एक दो दो क्वेश्चंस, जिसे नहीं बन रहा है वो क्या करो, कोई भी बुक्स उठा करके सिंगेज ही उठा करके देख लेना, दूसरा बुक पे क्या जाओगे, सिंगेज उठा के चार पांच क्वेश्चंस कर लेना उसका, सेम क्वेश्चंस को तीन चार बार करोगे तो वो एटलीस्ट ऑब्जर्व भी करोगे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, उससे आइडिया एक लग जाएगा। और नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा इसमें डिफरेंट फॉर्म जो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पे बेस्ट क्वेश्चंस होते हैं वो नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा ठीक है, और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी वाले में भी ठीक है रवि। चलो बाय बाय, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।